अरे बाप रे। सो भैया ये था लोकल ट्रेन का सफर, बहुत ही खतरनाक था भाई। तो भैया ये लोकल बस का सफर, भाई देखो कितना खचाखच भीड़ है। लगभग एक साल 9 महीने बाद आई एम ट्रेवलिंग इन दिस लोकल ट्रेन। लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम मैं लोकल ट्रेन में सफर करने जा रहा हूँ दोस्तों आज। तो आज पहले तो देखेंगे, ये मैं आ चुका हूँ लोकल ट्रेन टिकट काउंटर में। एज यू कैन सी द लोकल ट्रेन लिखा हुआ है। टिकट का जो प्राइस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, चलिए देखते हैं टिकट का दाम कैसे, पहला था क्या और आज है क्या। लेट मी चेक इट आउट, दिस इज़ अ टिकट काउंटर। तो आज बहुत कुछ सीन हम लोग जानेंगे, ट्रेन का टाइम टेबल शेड्यूल क्या क्या चेंज हुआ है नहीं हुआ है, और दूसरा देखेंगे। यस थैंक यू। और देखेंगे ट्रेन का टाइम टेबल शेड्यूल चेंज हुआ है नहीं हुआ है। दिस इज GoPro एक्शन कैमरा फॉर द व्लॉगर्स। ओके थैंक यू। सो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ लोकल ट्रेन स्टेशन में, एज यू कैन सी दैट इज़। तो आज कुछ रियलिटी चेक हम लोग करेंगे। पहला चेक मैं करने वाला हूँ दैट इज़ रेल का टाइम टेबल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे टिकट का भाड़ा बड़ा है नहीं बड़ा है। तो ये है मेरे पास लोकल ट्रेन का टिकट। तो पहले ये डिस्टेंस मैं कवर करता था लॉकडाउन से पहले 10 रुपये में, अभी भी सेम है 10 रुपये के अंदर ही मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो लोकल ट्रेन का टिकट का जो भाड़ा ये नहीं बड़ा है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। तो दूसरा चीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आकर पूछताछ किया का लोकल ट्रेन का टाइम टेबल चेंज हुआ कि नहीं हुआ है, वो भी बताते हैं। और क्या चेक करेंगे और देखेंगे। वाओ अनाउंसमेंट। ओके दिस इज अनाउंसमेंट हो चुका है। और तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे रेल का कंडीशन अभी क्या है, हाइजीन मेंटेन कितना हो रहा है, लोग कितना कॉशियस है। सो फ्रेंड्स दिल थाम के बैठिए, आ रहा है बोनगा लोकल, दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेन। लॉकडाउन के बाद मैं ट्रेवल करना हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक क्राउडेड ट्रेन में। तो देखते हैं लॉकडाउन के बाद सीन क्या चेंज हुआ है नहीं हुआ है। ये चलो आ गया मेरा ट्रेन। अरे वाह कितना खाली खाली है, जस्ट देखो लुक एट द सीन। बोनगा लोकल दुनिया का सबसे ओवर क्राउडेड ट्रेन में से माना जाता है, इंडिया का शान है, कोलकाता का क्या बोलूँ जो पहचान है बोनगा लोकल। पर देखो लॉकडाउन के बाद भी कितना खचाखच बड़ा भीड़ है। तो चलिए वहाँ पर जाते हैं, इस कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं। भाई सेकंड के अंदर कितना खचाखच भीड़ हो चुका है लोकल ट्रेन में। बट थिंग इज दैट लोग कॉशियस है, सभी के मुंह में मास्क है, कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे भी है जितना सीरियस जितना नहीं है, जिसका वो मास्क नहीं लगा कर ट्रेन में चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए बट मेंटेन नहीं हो रहा है, बट ये पॉसिबल भी नहीं है एटलीस्ट इन बोनगा लोकल। क्योंकि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिकली ये जो जगह है हम लोग जो जहाँ पर रहते हैं ये इतना, हम लोग सॉल्ट लेक में नहीं रहते, पार्क स्ट्रीट में नहीं रहते, पॉश एरिया में नहीं रहते। यहाँ का जो मेन स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इज़ द लोकल ट्रेन। और लोकल ट्रेन का संख्या इतना कम है एज पर द रिक्वायरमेंट, पूछिए मत। तो भैया जितना टाइम बीतता जा रहा है उतना ही ट्रेन में क्राउड बहुत ही बढ़ता जा रहा है। बट मैंने लिया है प्रॉपर प्रोटेक्शन, मास्क है, ओके सनग्लास भी है, अगर आंखों से कोरोना वायरस घुस गया तो इसके लिए सनग्लास भी पहन चुका हूँ मैं। और बैग में सैनिटाइजर, ट्रेन से उतरने के बाद सैनिटाइज भी करना है, हाथ पाँव को सब कुछ करना है। बट द थिंग इज दैट भाई गवर्नमेंट शुड थिंक फॉर द लोकल ट्रेन। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने में मजबूर हो जाते हैं, जिसका प्राइवेट कार उसका तो छोड़ दिया, दे आर वेरी मच लकी। पर हम लोग जो लोग हैं जो लाइक हैंड टू माउथ कंडीशन में है, जो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम लोग का कंडीशन क्या, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ना ही है, लोकल ट्रेन में, लोकल बस से। अगर देखो इस ऐसा अगर सीन रहेगा तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे लोग बच के रहेंगे फ्रॉम दिस महामारी।
और कुछ भी हो, गवर्नमेंट इज शोइंग द अवेयरनेस कैंपेन जस्ट लाइक लोगों को बोल रहे हैं अवॉर्ड करने के लिए, बट द सीन इज दैट अगर आपका बेसिक नीड में अगर जस्ट लाइक धक्का लगेगा ना, सपोज लाइक अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो कैसे खाओगे, राइट? सो आपको घर से तो निकलना ही है, लोकल ट्रेन से सफर करना ही है. लोकल ट्रेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है जिसको बोला जाता है हॉकरिंग. जो हॉकर भैया लोग रहते हैं ना, तो तरह तरह के चीज़ खाना यहाँ पर लोग सेल करते हैं. एज यू कैन सी दैट इस लॉकडाउन पीरियड में इन लोगों का तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुका है. इन लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है ऑन दिस लोकल ट्रेन पैसेंजर्स, बिकॉज एक जगह में एक साथ में बहुत ज़्यादा लोगों को मिल जाता है फॉर परचेसिंग. तो ये पूरा बंद था, तो दे हैव फाउंड समथिंग एल्स फॉर द ट्रेन. अरे बाप रे. सो भैया ये था लोकल ट्रेन का सफर, बहुत ही खतरनाक था भाई. अगर इस ब्लॉग के बाद मुझे कुछ हो गया, करूँगा मरूँ में कुछ हो गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप लोग लेना, तो थोड़ा सा प्यार बढ़ाओ. अगर अभी तक ये ब्लॉग देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. भाई देखो कितना खचाखच भीड़ है. लगभग एक साल 9 महीने बाद आई एम ट्रेवलिंग इन दिस लोकल ट्रेन. लोकल ट्रेन के बाद अभी हम लोग देखेंगे लोकल बस. ठीक है, ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, कहीं छोड़ कर मत जाओ. यहाँ पर देखो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर ऐसे दाग दाग लगा हुआ है, बट नो वन फॉलोज दैट. तो ये था पूरा वन ऑफ द मोस्ट टेरिफिक ट्रेन जर्नी, लोकल ट्रेन जर्नी. बोनगा लोकल में ट्रेन चला गया मुझको छोड़कर. हज़ारों लाखों लोग हर दिन इस ट्रेन से, क्या दुनिया इंडिया का बहुत ऐसे लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं. तो देखते हैं बस का, लोकल बस का सीन क्या है, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं. पहले इसके लिए पहुंचते हैं बस स्टॉप. ये है हम लोग का दोस्तों प्यारा भरत, हर वक्त भागता दौड़ता और ज़िंदगी से जूझता हुआ. सो आई एम वन ऑफ देम बीइंग अ ब्लॉगर. हम भी बहुत ही स्ट्रगल करते हैं इन लोगों की तरह, जो लोग वेंडर्स हैं, लोकल ट्रेन से, लोकल बस से हर दिन ट्रेवल करते हैं फॉर देयर बेसिक नीड्स एंड फॉर देयर बेसिक सर्वाइवल्स. सो ये थोड़ा सा दिखाना था आपको. आई होप सो यू हैव रियलाइज्ड द सीन. ट्रेन चला जाएगा, आप भी चले जाओगे, बट ये वाला जो दिन ये याद रहेगा, करुणा ने क्या देखे गया, क्या क्या छीन के गया. सो गाइस चलिए बस स्टॉप पहुँचते हैं, उसके बाद लोकल बस का सीन भी आपको दिखाएंगे. तो भैया मैं इसको मिल गया लोकल बस. ये लोकल बस का एग्जैक्टली सीन, हर सीट में एक एक वो बंदा करके बैठा है. क्वाइट अभी तो खाली खाली, बिकॉज ये मैंने उठाया बस स्टॉप से. इसके बाद का सीन क्या होगा पता नहीं, लेकिन ट्रेन में भी सेम सीन था. ट्रेन में मैंने चढ़ा था तब इट वॉज क्वाइट एम्प्टी, बट जितना टाइम जाता गया उतना ही लोग बढ़ता गया. तो लोकल बस का क्या चीज़ दिखेंगे हम लोग, दो तीन चीज़ देखेंगे. नंबर वन, भाड़ा क्या बढ़ा है नहीं बढ़ा है. मैक्सिमम जगह में बढ़ा है, बट इस रूट में बढ़ा है पता नहीं है, दैट विल चेक इट आउट. सेकेंड नंबर देखेंगे सेम थिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और क्या कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. तो चलिए आगे चलते, देखते हैं कैसे क्या है. जब आप लोकल बस से ट्रैवल करते हो और एकदम पीछे वाला सीट आपको मिलता है एज यू कैन सी, और अगर रोड का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है और बस एकदम लोकल है जैसे देख सकते हो टीन से बना हुआ, तो भैया आपका हाल तो हो जाता है बहुत बुरा. भाई पेट के अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे. माई गुडनेस भाई, 1 से 1.5 घंटे की जर्नी है इस बस से, कैसे पॉसिबल होगा पता नहीं. बट इट इज़ द स्ट्रगल ऑफ द ब्लॉगर्स, राइट? जब ब्लॉगर्स को देखते हैं, ट्रेवल ब्लॉगर को जब देखते हैं, सोचते हैं हम लोग भाई हर वक्त फ्लाइट में चढ़ते हैं, कार से जाते हैं, शिप से ट्रेवल करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है सर.
आवाज सुनो, तो लग रहा है बस का पूरा पुर्जा पुर्जा खुल के अभी बिगड़ जाएगा। और हाई प्रेशर, बात करने में तकलीफ हो रहा है। Amazing, it is amazing guys. My goodness. तो भैया ये लोकल बस का सफर। हेलो तो शी कंडीशन इज सॉरी सॉरी कंडीशन इज हॉरिबल। जर्नी का कंफर्टेबल जीरो नहीं माइनस, और शरीर का तो कर सकते हैं नाश। ओके तो चलिए देखते कितना तक मैं झेल सकता हूँ। दोस्तों ये है मेरे हाथ में बस का टिकट, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 28 रुपीज़। यही डिस्टेंस लॉकडाउन से पहले जब मैं कवर करता था तब इसका प्राइस पड़ता था 22 रुपीज़, 22 रुपये। तो अभी इसका दाम बढ़कर हो चुका है 28 रुपये, मतलब 6 रुपये इंक्रीज बढ़ चुका है फॉर दिस टिकट। सो गाइस, तो लॉकडाउन में ट्रेन का टिकट तो ट्रेन का भाड़ा तो नहीं बढ़ा है, बट बस का भाड़ा तो ज़रूर बढ़ा है। बट टाइम जब नॉर्मल हो जाएगा इट इज़ एक्सपेक्टेड भाड़ा भी कम हो जाएगा, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है, जिसका भाड़ा बढ़ जाता है उसका भाड़ा कम नहीं होता है। तो जनाब लॉकडाउन के बाद मेरा बस और ट्रेन का लोकल ट्रेन लोकल बस का सफ़र ऑलरेडी आज का एक्सपीरियंस हो चुका है। होप सो यू एंजॉयड द व्लॉग। इस व्लॉग में जो मैंने सीखा, बस का ज़्यादा चेंज हुआ है क्योंकि उसका भाड़ा बढ़ चुका है, सभी लोकल बसेस का भाड़ा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ चुका है। बट अभी लॉकडाउन पूरा जो हट जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, तब क्या उसका भाड़ा कम डिक्रीज होगा, नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, दैट आई डोंट नो, उसको पता नहीं। बट लोकल ट्रेन का भाड़ा नहीं बढ़ा है, बट सोशल डिस्टेंसिंग का तो भाई एकदम छोड़ ही दो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बट आप थोड़ा सा केयरफुल रहो, जब भी निकलो मास्क पहन लो, हाथ में ग्लव्स पहन लो, ओके। और जो चीज़ आपको करना चाहिए, जो ड्रेस पहन कर आप ट्रैवल कर रहे हो घर में, मैं देख सकता हूँ, मैं अभी घर के अंदर मैं नहीं गया, घर के अंदर मत जाओ आप। डायरेक्टली वॉशरूम में मैं जाऊँगा, नहा धो के फ्रेश होके सैनिटाइज करके पूरा मैं फ्रेश होके निकलूँगा। सो दिस आर द बेसिक स्टेप्स। देखो भाई, ट्रेन बस ये हम लोग का डेली लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, इसको छोड़कर हम लोग का ज़िंदगी हो नहीं सकता, बिकॉज हम लोग इतना पैसे वाले नहीं है। हम लोग जो इंडियंस है, वी आर द वेरी कॉमन मैंगो पीपल, राइट, आम इंसान हम लोग है। तो हम लोगों को तो लोकल ट्रांसपोर्ट ही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना है, बट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर, राइट। सो ऐसे ही एक थोड़ा सा व्लॉग बनाया। अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर बस ट्रेन से अगर लोकली कभी ट्रैवल कर रहे हो, सो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर किया, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा टू मेक योर जर्नी कम्फर्टेबल। अगर व्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक करो। देखो जस्ट लाइक लाइफ रिस्क लेकर भाई पूरा तो मैंने ये व्लॉग बनाया। व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन और प्यार। सेकेंडली सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और व्लॉग को अगर एंजॉय किया तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग। ये देखो सो रहा है बेचारा भाई, आई लव डॉगी, पर ये लोग मुझको डर रहे हैं, मैं भी उन लोगों को डर रहा हूँ। सो लुक एट देम, देखो अनजाना डॉगी, दे आर स्केयर्ड बाय मी। चलो सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।